भी है। पेपर मोर और लेस बहुत सही था, जीके काफी अनएक्सपेक्टेड था। ठीक है, सेप्टेम्बर से बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, जैसे वैसे लोग नवंबर दिसंबर और अक्टूबर पढ़कर आते हैं जी, क्योंकि लास्ट थ्री मंथ्स बोलते हैं, बट यहाँ पर सितंबर के काफी क्वेश्चंस थे। और क्वांट में क्या कहेंगे आप? क्वांट बहुत ही अच्छा पेपर था, जैसे कि आईबीपीएस पीओ मेंस में हुआ था ये बहुत टफ आ गया था, उस हिसाब से यहाँ बहुत इजी पेपर था क्वांट का, और रीजनिंग मोर और लेस मॉडरेट था। मतलब ये हम कहें कि इंग्लिश वाला जो सेक्शन था वो इजी टू मॉडरेट था, बाकी जो था मॉडरेट टू डिफिकल्ट। इंग्लिश भी मैं मॉडरेट बोलूंगा, क्योंकि इंग्लिश में जो क्वेश्चन आए थे, जैसे वर्ड यूजेज में आए थे, तो वहाँ पांच स्टेटमेंट दे रखे थे, पांचों स्टेटमेंट में एक एक वर्ड थे, और उसके बाद फिर पूछ रहे थे कि किन किन स्टेटमेंट में सही यूज हुआ, तो इस तरह के क्वेश्चन काफी गलत होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि आप एक भी मिस किए तो आपके गलत हो जाएंगे। और इंग्लिश में जहां तक बात करूं आरसी की, तो दो आरसी आई थी, आई थिंक पांच पांच नंबर की आई थी, आरसी इजी थी, पारा एग्जांपल आया था पांच नंबर का, वो भी इजी था, और उसके रेस्ट जितने भी आए थे क्वेश्चंस वो काफी ट्रिकी थे, जैसे एरर बेस्ड आए थे उसमें भी ऐसा था कि चार क्वेश्चन या पांच क्वेश्चन है, उसके बाद उसमें पूछ रहे हैं कि ए बी गलत है या फिर बी सी गलत है या फिर सी डी गलत है, इस तरह से। ये जो रूल के अकॉर्डिंग जो पढ़ा रहे हैं बहुत टीचर, तो इसमें अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा रूल के अकॉर्डिंग वाला? क्या रूल? ग्रामर जो पढ़ाते हैं रूल के अकॉर्डिंग, तो उससे चीजें बन रही थी कि नहीं, वहां नहीं बन रही थी? यार टीचर्स तो वही पढ़ाते हैं जो रूल है, और रूल से ही तो ग्रामर बनते हैं, तो ऑब्वियसली उससे ही अकॉर्डिंग पार्ट आप पूरी पढ़ाते हैं शुरू से लास्ट तक, और कुछ लोग डायरेक्ट कुछ रूल पढ़ाते हैं, मतलब 120 रूल से निकाल लिए हैं कुछ लोग। नहीं, वो मोर देन इनफ होते हैं, मोर देन इनफ होते हैं। आप निमिषा बंसल की बात कर रहे हो, वो नहीं, निमिषा बंसल भी आजकल बहुत से, हाँ वो तो मोर देन इनफ होते हैं, क्योंकि एक्चुअली बैंकिंग में इंग्लिश जो है वो ज्यादा कॉम्प्रिहेंशन में बेस्ड होता है, ना कि एरर बेस्ड होता है। तो रीजनिंग में जो आपकी पजल थी वो कौन कौन सी थी, पजल बता सकते हैं? रीजनिंग में एक पजल थी सीटिंग अरेंजमेंट में, जिसमें 16 लोग बैठे थे, दो रो थी, आठ आठ लोग थे, और उसमें एक दूसरे रो का भी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में दे रखा था, मतलब अच्छा क्वेश्चन था। ये नहीं बताया था रो में कि कौन नॉर्थ देख रहा है कौन साउथ, दोनों रो में अलग, नॉर्थ भी देख सकता है साउथ भी दे सकता है, और ये कहा था जो सेकंड रो है दे रखा था, और सेकंड रो में ये कहा था कि साउथ वाले ज्यादा नॉर्थ से ना। रीजनिंग कौन सी थी? और इनपुट आउटपुट थी चार नंबर की, और एक चाइनीज कोडिंग थी तीन नंबर की, वो काफी ज्यादा मतलब न्यू पैटर्न की मुझे लगी, क्योंकि उसमें डायरेक्ट आंसर नहीं आ रहे थे, उसे छोड़ना ही पड़ा एट लास्ट। और इनपुट आउटपुट थोड़ा सा मतलब आपको दिमाग लगाना पड़ता, पांच स्टेप्स में थे, थोड़ा सा दिमाग लगा था, कभी लास्ट के दो नंबर के मल्टीप्लाई हो रही थी, कभी फर्स्ट के दो नंबर के मल्टीप्लाई हो रही थी, लेकिन वो बन जा रहा था बनाने लायक। डीआई में क्या कहेंगे आप? डीआई एक आई थी पाई चार्ट, काफी इजी थी, एक्स और वाई के में पाई चार्ट किया हुआ था, इसमें वाई की वैल्यू पहले बता दे रखी थी कि 1/4 था, मतलब 25%, बाकी सारे उसको मिला के 75% बन रहा था डीआई में, तो उससे पाई चार्ट हो जा रहा था। एक टेबुलर बेस्ड डीआई आई थी जिसमें काफी मिसिंग था, लेकिन उसमें मिसिंग के कुछ काम नहीं था, क्योंकि क्वेश्चंस इस अकॉर्डिंग फ्रेम किए थे कि जिसमें जो इन्फॉर्मेशन है टेबल में वो उसी से निकल जा रहे थे, वो बहुत ज्यादा टफ नहीं था, लोग डर कर से छोड़े हुए थे, वो कर रहे थे डीआई। और एक लाइन बेस्ड डीआई मतलब लाइन ग्राफ आई थी, वो सिंपल था कि मेल प्लस फीमेल करके ऐसे करके था, दो सिटी में ऐसे करके था, पाई वाली आई थी वेरिएबल बेस्ड। और मतलब ये और एक पढ़ने वालों के लिए पेपर ठीक ठाक था देखा जाए तो, मतलब हाँ पढ़ने वालों क्या मेंस दे रहे हैं तो पढ़ने वालों के लिए पेपर ठीक ठाक था, बट जीके जो है उसने धोखा दिया, क्योंकि जीके सितंबर बेस्ड आया और कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, ना अपॉइंटमेंट आया, ना स्पोर्ट्स से आया, ना कमेटी आया, ना कोई स्कीम आया, ना बजट से कोई क्वेश्चन आया, मतलब जो भी हम लोग पढ़ते हैं नॉर्मली हमेशा जो पूछा जाता था उस तरह नहीं, हर क्वेश्चन में जैसे बेस लाइन में कौन कौन से आते हैं, मिडिल लाइन में कौन कौन से आते हैं, इस तरह के क्वेश्चन आ रहे थे लेयर्स में, डायरेक्ट क्वेश्चन कोई नहीं थे उसमें, और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ठीक आठ नौ थे, तो जिसमें गलतियां होने के बहुत चांसेस रहते हैं, मतलब ऑप्शन क्रॉस करके हो पाएगा, वरना फिर। चलिए भैया धन्यवाद, कहाँ से तैयारी किए थे या खुद से कर रहे हैं? खुद से ही कर रहे हैं, यूट्यूब से कर रहे हैं। अच्छा, पहले तो कहीं से करी होगी? नहीं, यूट्यूब से, डायरेक्ट यूट्यूब। यूट्यूब में इतने अच्छे टीचर या क्या है? नहीं वो बात है, तो अजल अजल कहाँ से पढ़ी थी? अंकुश लांबा सर से, अंकुश लांबा से कर रहा था, मतलब सारे मिक्स है यार, अंकुश लांबा से, यशराज सर है पेट्रन पे, उनसे थोड़ा है, पुनीत सर से। ये वीडियो उन्हीं के पास जाएगी एक्चुअली, हम लोग उन्हीं के सर्कल वाले हैं, एबीपी। हाँ एबीपी, एबीपी में मैंने विशाल सर से काफी पढ़ा है, और पुनीत सर से मैंने मशीन इनपुट आउटपुट पढ़ा है पूरा मशीन। ये उन्हीं के पास जाएगी, उसी कारण वो बनाएंगे ना अपना मेरिट के हिसाब से क्या क्या रहेगा। अटेम्प्ट कितने हुए आपने? 107। ऑल द बेस्ट भैया, थैंक यू।